आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, यानी कि जो हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किसकी वजह से होती है। बात बता देता हूँ, सबसे पहले स्टोमेटा क्या होता है। जो स्टोमेटा होता है ये हमारा एक पोर होता है, किसके अंदर, हमारे जो नीचे वाली साइड होती है लीज की, जनरली उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। और इसका जो काम होता है मेनली वो होता है ट्रांसपीरेशन का, यानी कि जो वाटर वेपर है वो यहाँ से इवेपोरेट होते हैं लीव से, और साथ ही साथ हमारा जो गैसेज होती हैं उनका भी एक्सचेंज यहीं से होता है, इसी पोर से होता है। तो ये तो होता है हमारा स्टोमेटा, जो कि हमारी लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे जनरली हमें देखने को मिलता है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। तो जो पोर होता है ये ओपन होता है तो ये गैसेस को एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन करता है, लेकिन जब ये क्लोज होता है तो ये बंद रहता है, इसका कोई भी गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में काम नहीं होता। अब हमें देखना है कि आखिरकार किसकी वजह से हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होता है। तो आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये जो हमारी इमेज है ये बता रही है हमारा स्टोमेटा आखिरकार कैसे ओपन और क्लोज होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कैसे होता है। बता दूँ यहाँ पे जो चीफ हमारे आयन्स इन्वॉल्व हैं वो होते हैं हमारे पोटेशियम के आयन और हमारी वाटर की मूवमेंट। इन दोनों की वजह से ही हमारे जो स्टोमेटा है उनकी ओपनिंग और मूवमेंट होती है। बता दूँ होता क्या है, जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो इसमें क्या होता है, हमारा इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स किसका होता है, हमारे पोटेशियम आयन का। इन्फ्लक्स मतलब कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो हमारे किडनी शेप के हैं ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स की ही वजह से हमारे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। और गार्ड सेल्स के किसकी वजह से, हमारे टर्गर प्रेशर की वजह से, जो टर्गर प्रेशर होता है उसकी वजह से। अब कैसे होता है बताता हूँ आपको। जो हमारा जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ, यानी कि पोटेशियम आयन हमारे गार्ड सेल के अंदर गए, जो वाटर पोटेंशियल होता है गार्ड सेल के अंदर, जो वाटर पोटेंशियल था वो हो जाता है कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आ गए हमारे पोटेशियम आयन, तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल हो जाता है कम। तो क्या होता है, सराउंडिंग से जो हमारा वाटर है वो अंदर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, इससे क्या होता है, जो हमारा टर्गर प्रेशर होता है किसका, हमारे गार्ड सेल का, वो इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो सेल हो जाता है वो टर्जिड हो जाता है, यानी कि वो हो जाता है हमारा स्वॉलन। तो ये तो मेरी बात हो गई किसकी, स्टोमेटा ओपन की। अब सेम प्रकार में इसी तरह बात करूँ क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग में क्या होता है, हमारे जो के प्लस आयन है उनका हो जाता है यहाँ पे इफ्लक्स। हाँ जी, वो बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पोटेशियम आयन बाहर निकल गए तो बाहर वाले सेल्स का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो उसको बराबर करने के लिए जो पानी है वो भी गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा टर्गर प्रेशर होता है, किसका टर्गर प्रेशर, हमारे गार्ड सेल का, वो हो जाता है डिक्रीज। डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा स्टोमेटा है वो हो जाता है हमारा क्लोज। क्यों? क्योंकि टर्जिडिटी हमारी सेल की खत्म हो जाती है, सोलन नहीं रहता है, वो हो जाता है हमारा श्रिंक। श्रिंक होने की वजह से जो हमारा पोर है वो हो जाता है हमारा बंद। तो ये तो मैंने बात कर ली ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन पर देख के बताऊं तो ऑप्शन बी कह रहा है चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। सो क्वेश्चन होगा यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।